जय श्री स्वामीनारायण। स्वामीनारायण गुरुकुल कण्वा, माईसेल्फ महेश उपाध्याय, स्टैंडर्ड 8, सोशल साइंस, चैप्टर नंबर 5, नेचुरल डिजास्टर। डियर स्टूडेंट, जय श्री स्वामीनारायण। इन आवर प्रीवियस लेक्चर आई टॉट यू अबाउट अर्थक्वेक, व्हाट आर द रीजंस ऑफ अर्थक्वेक एंड अदर एक्सप्लेनेशन अबाउट द अर्थक्वेक। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट वॉल्केनो। वॉल्केनो इज द नेम गिवन टू वेंट इन द लेयर ऑफ वीक रॉक्स ऑफ अर्थ सरफेस थ्रू विच मोल्टन लावा एज गैसेस वेपर्स शेप्स एंड डिफरेंट साइज ऑफ रॉक्स एक्सेट्रा कैम आउट और इजेक्टेड। डियर स्टूडेंट, हमने हमारी पिछली कक्षा के अंदर, पिछले हमारा जो लेक्चर था उसके अंदर हमने अर्थक्वेक के बारे में, भूकंप के बारे में पढ़ा था, जिसमें उसके कारण सहित उसके बारे में स्टडी की। आज हम वोल्केनो, ज्वालामुखी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ज्वालामुखी इट मीन्स क्या है कि जो अर्थ का हमारा जो इंटीरियर पार्ट है, इस पार्ट के अंदर इज वी नो देयर इज ए लॉट्स ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब उस गर्मी की वजह से हमारे यहाँ जो चट्टाने हैं, रॉक्स मेल्ट होती जाती हैं, वाटर भी अंदर प्रोकलेट होता है, और ऐसे करते करते फिर इस गर्मी जब आती है तो इट्स चेंज इनटू वेपर और मोल्ट हो जाते हैं, और ड्यू टू द लेस स्पेस कम होने की वजह से इट ट्राई टू कम आउट, बाहर आना का प्रयत्न करते हैं, और जब वहाँ पे ऐसी कोई कमजोर वीक प्लेस दे फाउंड एंड केम आउट, दैट इज कॉल्ड वोल्केनो। तो वोल्केनो इज द नेम गिवन वेंट या ओपनिंग, है ना, वेंट कम वेंट ओपनिंग नाम से आया हुआ है लेयर ऑफ वीक रॉक्स, और कौन से पार्ट से आएगी जरूरी नहीं है कि यहीं से आए, वेयर वीक रॉक्स जहां पे कमजोर चट्टान होगी ऑफ अर्थ सरफेस थ्रू विच मोल्टन लावा एस गैस वेरियस शेप्स ऑफ द रॉक्स इजेक्टेड अलग आकर के वेपर के माध्यम से या एक पावर से बाहर आएंगे, दैट इज कॉल्ड, उसको हम वोल्केनो कहते हैं। दे कम केम ऑन द अर्थ सरफेस, और ये कहाँ आते हैं, अर्थ के सरफेस के ऊपर, और अर्थ के सरफेस के आने से क्या होगा वो भी आप जानते हो, जहाँ भी अगर मान लो जो भी एरिया है नियर बाई प्लेस होगा, है ना, यहाँ पे नियर बाई प्लेस होगा वहाँ पे तबाही, देर इज ए डिस्ट्रक्शन, मच डिस्ट्रक्शन, क्योंकि ये जो लावा आएगा वो बहुत ही गर्म होगा, और इट स्प्रेड नियर बाई एरिया जहाँ पे भी होगा वो कहाँ होगा, हमारे आसपास के भागों में, और आसपास के भाग को भी डिस्टर्ब कर देगा, है ना, तो जिससे जन धन दोनों की हानि हो सकती है, ह्यूमन एंड प्रॉपर्टी की को बड़ा नुकसान होता है। अब रीजंस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, अब ये वॉल्केनो का कारण क्या है, तो हाई टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, सेकंड वन क्रिएशन ऑफ लिक्विड मैग्मा, क्रिएशन ऑफ गैस एंड वेपर, एंड इसके बाद में नेक्स्ट में ड्रिफ्टिंग
ड्रिफ्टिंग ऑफ मैग्मा, हाई टेम्परेचर इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी सी देर पहले बताया कि इंटीरियर पार्ट में कैसा है, बहुत ही गर्म है। द हॉट मैग्मा इज ड्रैग्ड टूवर्ड्स बाय द हैवी गैसेस लाइंग अंडर मैग्मा। पृथ्वी के अंदर भी जिस तरह कुछ गैसेस हैं वो क्या करती हैं, ये लावा को, जैसे लावा क्यों बनेगा, क्योंकि एज वी नो देयर इज ए मच हीट इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ। अर्थ के इंटीरियर पार्ट में बहुत ही गर्मी है और ये मेल्ट होती रहती है। यहाँ रॉक्स हैं, जो भी रॉक्स हैं, वाटर वेप अंदर जाता है, वो क्या करता है, मेल्टिंग होता रहता है। अब मेल्टिंग होने की वजह से इट्स चेंज इनटू मैग्मा, और किसमें चेंज होता है, मैग्मा के अंदर। और ये मैग्मा क्या करेगा, जैसे उबलेगा वैसे अपर साइड ऊपर की ओर आने का प्रयास करेगा। अब फोर्स टू द हैवी गैसेस लाइंग अंडर द मैग्मा, तो ये जो क्रिएशन होगी और उसको जब स्पेस मिलेगा, वेयर इट फाउंड, जहां पे उसको कमजोर भाग मिलेगा, उस ओर से वो ओपन, जोर से ओपन करके सीरियो को अंदर बाहर निकलेगा। द वॉटर प्रोक्लेम थ्रू द, सेकेंडली क्या है, जैसे कि इंटीरियर पार्ट में अर्थ के बाद में आपको हाई टेम्परेचर की वजह से मेल्टिंग होकर के बाहर निकलने का प्रयास करेगा। सेकेंड वन है क्रिएशन ऑफ लिक्विड मैग्मा, ये कैसे हो क्रिएट होगा कि एज वी नो, देखो हमारा जो अर्थ, अर्थ के ऊपर आप जानते हैं देयर इज अ लॉट्स ऑफ वाटर, और ये वाटर धीरे धीरे अपने क्रैक्स में से वेंट टू द इंटीरियर साइड ऑफ द अर्थ। तो द वॉटर प्रोक्लेम टू द क्रैक्स एंड ओपनिंग ऑफ वीक रॉक्स। अब ये पानी धीरे धीरे ओपन करेगा जहां पे भी कमजोर पार्ट होगा, टर्न इनटू वेपर। अब एज वी, जैसा मैंने आपको बताया कि अर्थ के अंदर बहुत ही टेम्परेचर है, अब ये पानी जितना भी प्रोक्लेम होकर के अंदर जाएगा वो एक्सचेंज, किसमें चेंज हो जाएगा, वो वेपर में। और वेपर में जब चेंज होगा तो फुल प्रेशर ऑइंग टू द लॉ लेग स्पेस, अब उसको जब स्पेस नहीं मिलेगा तो ये प्रेशर में आएगा, और प्रेशर में आएगा तो किधर जाएगा, ऊपर की सतह की ओर, वेयर ही फाउंड, जहां पे भी उसको कमजोर पार्ट मिलेगा उसको वो क्या करेगा, प्रेशर करेगा। ओइंग टू द लैक ऑफ द स्पेस ट्राइज टू कम आउट विद द ग्रेट फोर्स, और जब उसके साथ आएगा तो बाहर जब आएगा तो क्या होगा, जब फोर्स करता हुआ आएगा तो पूरा का पूरा अपने साथ मैग्मा लेकर के आएगा, है ना, मैग्मा लेके आएगा इट सेल्फ टू ड्रैगिंग टूवर्ड्स द फॉर इन डायरेक्शन, ऊपर के डायरेक्शन के अंदर वो जो वेपर्स होगा, वो वेपर क्या होगा, इस तरह मिलता जाएगा अंदर के अंदर, और ज्यादा ज्यादा करके क्या करके किसके साथ बाहर आएगा, बहुत सारे लावा, और बाहर आके लावा मतलब बन जाता है भाई, मैग्मा का बाहर का जो रूप है वो लावा। तो ग्रेट फोर्स एंड इट ऑल्सो टेक्स द मैग्मा इट सेल्फ, एक ग्रेट फोर्स के साथ में बाहर आएगा और अपने साथ मैग्मा को लेके आएगा टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट में आपका गैस एंड वेपर, द गैस लाइंग इन द मैग्मा बिकेम प्रेशर फ्री एंड दे रीच नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ द ओपन विद द हाई इरप्शन इन द फॉर्म ऑफ मोल्टन लावा एस गैस रॉक्स पीसेस ऑफ वेरियस शेप एंड साइज एंड दिस इज नॉन एज वॉल्केनो का रूप देंगे बोलेंगे। अब क्या होगा, इसके अंदर कई तरह की जो गैसेस हैं वो भी क्या हो गई, फ्री हो जाएगी, उनके लिए भी स्पेस, उनके लिए भी प्रेशर लगेगा, और जब प्रेशर लगेगा इट कम आओ अब, है ना, किधर आएगा, अर्थ के अपर पार्ट की ओर आएगा, और इस कारण एक ही रहेगा, जहां पे भी कमजोर पार्ट होगा, है ना, वेयर इट इज देयर इज, वहां जहां पे भी वहां कमजोर पार्ट होगा उससे फोर्स के साथ बाहर निकलेगा, और दैट इज कॉल्ड वॉल्केनो, ही वॉल्केनो। तो इस तरीके से इसके बाद में ड्रिफ्टिंग ऑफ मैग्मा टुवर्ड्स अर्थ, अब जैसे जैसे उबलेगा, जैसे हमारे पार्ट होता है, आप लोग को एग्जांपल देखा होगा, आपने उबलते हुए दूध को देखा, पानी को देखा, उबलता हुआ होता है तो किधर आता है, ऊपर की साइड में,
है ना, अब पर्स। कई बार आप लोग देखते हैं कि अपने पार्ट में से जो मिल्क वगैरह हो तो वो तो बाहर भी निकल जाते हैं। अब बाहर निकल जाते हैं क्योंकि एज यू नो कि वहाँ तो उसके लिए स्पेस मिलती है, लेकिन इंटीरियर पार्ट में लैक ऑफ स्पेस, स्पेस की कमी रहती है चारों ओर, कहीं गर्मा ज़्यादा रहती है। और ये जो लावा जो है, ये जो भी उबलता हुआ पानी है, चाहे मोल्ट लावा मोल्ट मैग्मा है, ये क्या करेगा, रॉक्स को पिघला देगा, ऊपर का जो रॉक्स हैं उनको मोल्ट कर देगा और इसकी डेंसिटी और बढ़ जाएगी। और व्हेन इट कम आउटसाइड, जब इस तरह फोर्स करते हुए अर्थ के बाहर आएगा, तो दिस इज द वन ऑफ द ऑल्सो द रीजन ऑफ, है ना, ये भी एक तरह एक रीजन है। तो इस तरह से वी डिस्कस अबाउट द फोर रीजंस। द फर्स्ट वन इज द हाई टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज द मेन रीजन। अर्थ के अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और ये गर्मी की वजह से जो भी अंदर, चाहे वाटर हो चाहे मेघमा हो या भी रॉक्स हो, वो पिघलती रहती है और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है। डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं और ड्यू टू दिस, है ना, उसकी वजह से क्या होता है कि प्रेशर्स है जो अपने साथ मेघमा के साथ बाहर निकलता है। दिस ऑल द रीज़न ऑफ द वोल्केनो। इसलिए मेजर रीजन तो यही है कि टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, अर्थ के अंदर हाई टेम्परेचर होना। अगर हाई टेम्परेचर नहीं होता तो देर इज नो वेपर, वेपरिंग होती नहीं, नो मोल्ट मेल्टिंग होती और इस तरीके से मेघमा नहीं बनता, और मेघमा जब नहीं बनता तो नॉट कैन कम आउटसाइड, बाहर नहीं आता, तो वोल्केनो नहीं होता। लेकिन दिस इज द मेन रीजन ऑफ द मेन रीजन में अगर हम लोग बोलें तो हाई टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ऑल द वोल्केनो रेसिडुअल केम आउट टू द सरफेस अर्थ एंड फॉर्म द माउंटेन लाइन स्ट्रक्चर। अब क्या होता है, जो भी मोल्ट आता है वो कहीं ना कहीं आकर के विस्फोट एक्सप्लोड होता है और जो उसका रेसिडुअल्स है, जो भी आग है, जो भी लावा है, स्प्रेड है ना, आकर के फैल जाता है, तो कई बार उसके माउंटेन भी बन जाते हैं, है ना, स्प्रेड है ना, और स्प्रेडिंग होने की वजह से स्ट्रक्चर बन जाते हैं। देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। इफ द प्रोपोर्शन अमाउंट ऑफ गैस एंड वेपर इज मोर एर वेंट ऑन द अर्थ इज स्मॉल। अगर देखिए एक बार यहाँ से बराबर से ध्यान रखना कि ये जो प्रेशरिंग पार्ट है, अगर प्रेशर ज़्यादा है और वेंट छोटा है, इफ द प्रेशर इज मोर एंड वेंट इज स्मॉल ऑन द अर्थ, तो उसके अंदर क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा आएगा और स्प्रेड मोर पार्ट, ज़्यादा स्थल पर फैलेगा। और इफ द वेंट इज ब्रॉड, अगर इजीली इस गैस को निकलने के लिए आसानी रहेगी तो ये आसानी से क्या होगा, निकल करके चला जाएगा। देर इज नो इफेक्ट, ज़्यादा कोई बड़ा इफेक्ट नहीं होगा, देर इज नॉट मोर इफेक्ट। लेकिन अगर वेंट छोटा है और प्रेशर ज़्यादा है तो ये इसका विस्फोट भी ज़्यादा होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस भी करेगा, जो आस पास के जहाँ जो लोग रहते हैं, जो भी एरिया होगा। तो द वेपर द इफ द प्रोपोरेशन अमाउंट ऑफ गैस एंड वेपर मोर एंड वेंट ऑन द अर्थ सरफेस इज ए नैरो, देन द इरप्शन इज ए डेंजरियस। तो ये हमारे लिए कैसी परिस्थिति में, अगर वेंट क्या होगा, कम चौड़ा होगा, है ना, और प्रेशर ज़्यादा होगा तो इट्स बैंक मोर डेंजरियस, क्योंकि इट स्प्रेड इन अ लार्ज एरिया, क्योंकि एक बहुत बड़े भाग पर वो क्या करेगा, फैलेगा, विस्फोट होगा और काफ़ी दूर दूर तक जाएगा। सो इन ऑल दैट कंडीशन क्या होगा, इट्स बिकम डेंजरियस, ये बहुत ही खतरनाक होगा। और यदि यही वेंट चौड़ा होगा, स्पेशल कम होगा और धीरे धीरे निकल करके पता भी नहीं चल पाएगा, बहुत ज़्यादा ज़्यादा इतना डेंजरियस नहीं होगा, इट्स नॉट बी डेंजरियस। बट इफ द अमाउंट ऑफ गैस इज लेस एंड द वेंट इज ब्रॉड, और अगर ब्रॉड होगा एंड लॉन्ग, देन द मोल्टन लावा कम्स आउट स्लोली, और जो मोल्टन जो लावा होगा वो धीरे धीरे करके बाहर आएगा एंड स्प्रेड इट सेल्फ ऑन द अर्थ सरफेस, धीरे धीरे अपने आप वो पृथ्वी पर फैल जाएगा और वहाँ इस तरह बहुत ही कम पार्ट रहेगा, बहुत कम नुकसान रहेगा, वो नॉट ए डेंजरियस।
अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ वोल्केनो. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो, डेड वोल्केनो और लेटेंट वोल्केनो. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो, लेटेंट वोल्केनो एंड डेड वोल्केनो. वेरियस वोल्केनोज आर फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड के अनेक अलग अलग भागों के अंदर हमको ये देखने को मिलते हैं. इंडिया की अगर हम बात करें तो ओनली देयर इज ए सिंगल वोल्केनो विच इज इन द अंडमान निकोबार आइलैंड, और वो भी हमारा कैसा है, डेड डेड वोल्केनो. ठीक है, ओनली वन आइलैंड ऑफ कहाँ पे है ये डेड वोल्केनो, वो भी अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर. इट इज ओनली इन द ओनली सिंगल प्लेस, और वो भी हमारे टापू पे है, आइलैंड के ऊपर है. वोल्केनिक डिस्ट्रप्शन की बात करें तो ये इट इज एट एनी प्लेस रीजन लीड्स द मैसिव डिस्ट्रक्शन. अगर हम ने अभी भी बात की कि वोल्केनो जब आएगा कोई भी डिजास्टर होगा तो बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं, नुकसान बहुत करता है. मच डिस्ट्रक्शन इन द नियर बाई एरिया, आसपास के एरियाज के अंदर में क्या करेगा, जबरदस्त डिस्ट्रक्शन करेगा. बट वी हैव सम बेनिफिट्स, लेकिन उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं. उसमें से नंबर वन है द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड इंक्रीज ड्यू टू लावा. फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, इससे लैंड की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज होती है. सेकंड, ऑब्टेन अबंडेंस क्रॉप्स प्रोडक्शन, इससे हमें बहुत ज़्यादा क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी मिलता है इसके अंदर पोटाश की मात्रा होने की वजह से. इट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर द पीपल विद स्किन डिजीज, जो स्किन डिजीज के लोग हैं उनके लिए एक वरदान साबित होता है. फिर इसके बाद में वी ऑब्टेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मिनरल्स, अलग अलग प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं, डायमंड वगैरह भी हमें ऑब्टेन होते हैं. तो सबसे फर्स्ट द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड इंक्रीज, फर्स्ट बेनिफिट द फर्टिलिटी ऑफ लैंड इंक्रीज ड्यू टू लावा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज अ वेरी गुड. अब देखो लावा की वजह से वो जो एरिया होगा उसमें जो प्रोडक्शन होगा वो काफ़ी अच्छा होगा. वेरी गुड ड्यू टू द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, क्योंकि लैंड की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी. इसके लिए यहाँ जावा एंड सुमात्रा दो एग्जाम्पल दिया, जावा और सुमात्रा के बारे में बताया गया है विच इज मेड ऑफ लावा. जावा और सुमात्रा विच इज मेड ऑफ, है ना, जिसको क्या कहा जाता है कि वो लावा से बना हुआ है. और ऐसा भी कहा जाता है हमारा जो इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है, है ना, इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है, गुजरात और महाराष्ट्र की बात करते हैं, देयर इज ऑल्सो कर्नाटका ब्लैक सॉइल है, और उस सॉइल में भी है लेविक सॉइल बोला जाता है, वो भी देयर इज द रीजन, है ना, वहाँ पे भी रीजन बताया जाता है वोल्केनो की वजह से बना हुआ है. तो यहाँ की जो सॉइल है वो भी कैसी है, फर्टाइल है. ऑब्टेन अबंडेंस क्रॉप्स, है ना, सेकंड वन ऑब्टेन अबंडेंस क्रॉप्स टू द प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, वैसे वो फर्टिलिटी के पार्ट में आता है. तो देखिए द पोटाश ऑक्युपाइड सॉइल फ्रॉम वोल्केनिक रेसिड्यूल, जो वोल्केनिक रेसिड्यूल्स निकलते हैं, जो भी मात्रा निकलती है उसमें पोटाश की मात्रा होती है. ओके, दैट इज द एंड हेल्प्स द फार्मर टू ऑब्टेन अबंडेंस क्रॉप, और यह किसान को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है टू फॉर द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में. फिर इसके बाद में नेक्स्ट है इट इज़ द ब्लेसिंग फॉर द, ये किसके लिए ब्लेस है, तो जो स्किन डिजीज के लोग हैं. द हॉट वाटर स्प्रिंग इन द एरिया ऑफ वोल्केनो हैज जर्म्स किलिंग एलिमेंट्स, इसके अंदर क्या होता है, जर्म्स को मारने की क्षमता वाला वाटर होता है. इट इज किलिंग एलिमेंट्स इन इट एंड इट इज अ ब्लेसिंग फॉर द पीपल विद द स्किन डिजीज, जिनको स्किन डिजीज फैली हुई है उनके लिए एक महत्वपूर्ण रहता है ये वोल्केनो की वजह से. वी कैन गेट मिनरल या वी ऑब्टेन मिनरल्स. अब देखो ये लावा है वो मिक्स होकर के बाहर आता है, मैग्मा जो है वो, और ये जो लावा है वो बाहर आकर के ऐसे आफ्टर है एक लंबे समय बाद जम जाता है.
सो वी गेट इजीली ऑन द सरफेस पार्ट ऑफ द अर्थ है मर्क्यूरी टंगस्टन है टीन प्लेटिंग जिंक एल्यूमिनियम एक्सेट्रा कैन बी ऑब्टेन्ड इजीली ड्यू टू द वोल्केनो वोल्केनो की वजह से हमको अलग अलग प्रकार के हमको कुछ यहाँ मिनरल्स भी अवेलेबल होते हैं डायमंड कैन बी मेड फ्रॉम इट डायमंड भी हमको यहाँ पे द मोल्टन लावा कूल्स डाउन ग्रेजुअली और धीरे धीरे जो मोल्टन जो लावा है वो क्या होता है जम जाता है प्रेशर ऑफ द कार्बन उसके ऊपर कार्बन का प्रेशर होता है और विद द पासिंग ऑफ द टाइम एक लंबे समय के बाद कुछ समय गुजरने के बाद में डायमंड कैन बी मेड फ्रॉम ए और उससे डायमंड बनता है लापीले अब एक अंतिम अगर इसका यूज माने तो क्या है कि द वेरियस स्केटर्ड सब्सटेंसेस थ्रोन आउट ड्यूरिंग द वॉल्केनिक इरप्शन जब वोल्केनो आता है तो केवल मात्र ही आसपास का एरिया ही प्रभावित नहीं होता इसमें से विस्फोट होता है और विस्फोट होने के बाद में दूर दूर तक डिस्टेंस प्लेसेस लंबे लंबे जगहों तक जा करके इसका जो भी लावा है वो स्प्रेड होता है इरप्शन ऑल्सो हैज स्मॉल रॉक्स नॉन और ये इससे जो रॉक्स बनती है दैट इज कॉल्ड लापिले दैट इज कॉल्ड उसको हम लापिली बोलते हैं एंड इट इज प्रूव्ड टू बी वेरी यूजफुल और ये इसको हम क्या मानते हैं बहुत ही यूजफुल होती है इट कैन बी मोल्डेड इजिली एंड गिवन द शेप क्योंकि इसको किसी भी रूप में इसको शेप दिया जा सकता है इसीलिए ये इस तरह और उपयोगी बनती है तो डियर स्टूडेंट वोल्केनो क्या होता है हाउ इट्स कैसे ये इंक्रीज होता है तो वोल्केनो किसके फर्स्ट तो उसके नाम से की बात आती है वेंट और ओपनिंग शब्द होता है खास इट्स इफेक्ट द वीक रॉक्स को प्रभावित करती है जहाँ कमजोर चट्टाने होती है वहाँ से निकलता है और स्पेशली आप लोग देखते हैं समुद्र के तटीय क्षेत्र जो होते हैं पास में होते हैं वहाँ क्योंकि पानी रिस कर अंदर जाता है और जमीन को क्रैक्स को मतलब क्या कर देता है थोड़ा लूज कर देता है फिर ये डिफरेंट टाइप ऑफ द गैसेस निकलती है इसके अंदर मोल्टन लावा होता है एश ठीक है रॉक गैसेस वेरियस शेप एंड साइज की रॉक्स होती है और वेपर्स होता है इट्स कैम आउट बाय फोर्स और ये फोर्स के साथ बाहर आते हैं और अंत में क्या कर देते हैं ये कार्बन बन जाता है और उसका मूल जो कारण जो बता दिया गया है मैंने आपको रीजंस की बात कर लें तो हाई टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कि इंटीरियर पार्ट के अंदर हाई टेम्परेचर है अगर ये हाई टेम्परेचर ना होता तो ये कोई स्थिति बनती नहीं ठीक है अब इसी से फिर इससे क्या होगा हाई टेम्परेचर की वजह से जमीन के अंदर लिक्विड जो फॉर्म है वो मैग्मा मतलब लिक्विड हो चाहे कोई भी सॉलिड है वो चेंज इनटू द मैग्मा सॉरी मैग्मा में चेंज होती है कई तरह की गैसेस होती है और दे आर ट्राई टू कम आउट बाहर आने का प्रयत्न करती है और ब्रेक करके निकलती है अब तीन तरह के बताए थे एक्टिव टैलेंट एंड डेड वोल्केनो जिसके तीन बारे में बताया उसके बेनिफिट्स में बताया कि फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है दैट इज हेल्पफुल टू द फार्मर्स के लिए हेल्पफुल होता है और सबसे बड़ा यहाँ एक ब्लेसिंग है फॉर द पीपल विद द स्किन डिजीज स्किन डिजीज के लोगों के लिए अगर हम गुजरात में बात करें तो एक तुलसी श्याम इज द प्लेस जहाँ कहीं ना कहीं एक वोल्केनिक प्लेस से जुड़ा हुआ जो है ना हिट गर्म पानी का जो फुहारा वहाँ निकलता रहता है और इज ए जम्स जो डिजीज को एंट करने के लिए रहता है कई तरह के मिनरल्स स्पेशली डायमंड की बात की जाती है तो इस तरीके से वी डिस्कस अबाउट द अब आता है इसी से जुड़ा हुआ एक वर्ड है सुनामी है ना आपने अगर न्यूज़ में पढ़ा हो तो ये कम से कम 11 मार्च 2011 के अंदर जापान के लिए बहुत ही खराब रहा अब वॉल्केनिक ड्यू टू द वॉल्केनिक इरप्शन ठीक है ना ये जो किसकी वजह से हुआ अर्थक्वेक यहाँ दो रीजन है इसके पीछे ध्यान रखना सुनामी के लिए सुनामी
सुनामी ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन, जैसे यहाँ पे पानी भरा हुआ है और अगर आप मान लो आप ऊपर से पत्थर डालेंगे तो क्या होगा, क्रिएट द वेव्स, और जोर से डालेंगे तो बड़ी क्रिएट होगी वेव्स, और बड़ा पत्थर और जोर से डालोगे तो उसके जो वाटर है वो स्प्रेड हियर एंड देयर। तो डियर स्टूडेंट, अब ये जो कंडीशन है वो है इंटीरियर, सुनामी क्या है ड्यू टू द इंटीरियर या अर्थक्वेक, और दूसरा है वोल्केनो। ये स्प्रेड जब पानी के अंदर के भाग में आएंगे तो वाटर कैम आउट बाहर आएगा और बहुत बड़ा नुकसान करेगा। अब ये नुकसान करेगा जो वाटर से आएगा दैट इज कॉल्ड द सुनामी जनरली। तो ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक एट द बेस ऑफ द सी हाई ओशियनिक वेव्स आर क्रिएटेड। बड़ी जो वेव्स होती हैं वो क्रिएट होती हैं, किसकी वजह से होती हैं, देयर आर टू रीजंस, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो। वॉल्केनो और अर्थक्वेक की वजह से समुद्र एवं समुद्र के तटीय भाग के अंदर जो वेव्स क्रिएट होती हैं दे आर कॉल्ड सुनामी। तो ये इरप्शन हाई ओशियनिक वेव्स आर क्रिएटेड दे आर नॉन एज सुनामी। वापस से ध्यान रखना सुनामी की डेफिनेशन, ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक एट द बेस ऑफ द सी हाई ओशियनिक वेव्स क्रिएट, जिसकी वजह से हाई वेव्स क्रिएट होती है दे आर कॉल्ड नॉन एज सुनामी। दे आर हाई एंड एज अनइमेजिनेबल, और ये यू मत समझना सामान्य, जैसे पत्थर वाली बात हो आपको इतनी थी थोड़ा सा ही होगा और आपको ज़्यादा ज़्यादा छींटे लगेंगे, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना कि ये जो अर्थक्वेक और किसकी वजह से वॉल्केनो की वजह से, तो बहुत ये जो पानी है जस्ट लाइक आप थाली में पानी भरा और जोर से नीचे से डालोगे क्या वो उछल उछल करके आएगा। तो हियर द हाई एंड इन इमेजिनेबल, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं उसकी उतनी लेंथ होती है, इट्स लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 700 to 1600 किलोमीटर की लेंथ, कितनी बताइए 700 to 1600 किलोमीटर तक। द वेव्स हैव हाई स्पीड, और इतनी स्पीड से आती है एंड कवर द लार्ज डिस्टेंस, और एक लंबे एरिए को कवर कर लेती है। द वाटर ऑफ दीज वेव्स वेरी स्पीडली रिचेज द बैंक विद ए ग्रेट हाइट, और ये समुद्र के तट पर बहुत ही तेजी से और काफी उछाल के साथ आती है, हाई स्पीड एंड कवर ए लार्ज डिस्टेंस। द वाटर ऑफ दिस वेव्स वेरी स्पीडी रीच टू द बैंक विद द ग्रेट हाइट एंड क्रिएट्स ग्रेट डील ऑफ द लॉस थ्रू द एक्सीडेंट। और जब ये अचानक इस तरह से जब आसपास के एरिया में बहती है, यहाँ जो लोग रहते हैं उनके लिए, ये प्लेस के लिए, उनके आसपास के जो प्लेस होते हैं उसमें बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन करती है, डिस्ट्रक्शन करती है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल इज द जापान। जापान के अंदर एक यहाँ पे एग्जाम्पल था, जो बेस्ट एग्जाम्पल है 11 मार्च 2011 को यतिदुआ उसने बहुत ज़बरदस्त डिस्ट्रक्ट किया था। तो दिस वे यू फाइंड सुनामी टुडे। हमने जो वे हैव डिस्कस्ड अबाउट द वॉल्केनो एंड सुनामी, आज हमने वॉल्केनो और सुनामी के बारे में डिस्कस किया। राइट द शॉर्ट नोट ऑन दिस फॉलोइंग पॉइंट, और इफ़ यू हैव द मैप बुक, यदि मैप बुक है तो स्टार्ट टू राइट इन देम, राइट द क्वेश्चन एंड आंसर इन द। जय श्री स्वामी नारायण।